अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो डेफिनेटली आपके पास ना ये टेंट हाउस ज़रूर आया होगा। और जब ये आ जाता है तो बच्चे इसे खेलते हैं, इतना खेलते हैं कि उनका मन भर जाता है, या तो उसका जो टेंट हाउस है वो फट जाता है या फिर वो स्टिक टूट जाती हैं। उसके बाद वो इधर उधर पड़ा रहता है, या तो हम उसे फेंक देते हैं या फिर उठा के कवर्ड में रख देते हैं और सोचते हैं कि यही लास्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, एक ऑप्शन मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, आई होप ये ऑप्शन आपको पसंद आएगा। मैं इसे यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा आपको भी बता दूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो जॉइंडर है ना, इसमें तीन साइड से होल था, लेकिन मुझे चौथी साइड भी होल करना था। तो उसके लिए मैंने जो लोहे की सरिया आती है उसको गर्म करके इसमें होल कर लिया। बहुत ही ईजिली हो गया। बस हमें क्या ध्यान रखना है, जो होल करेंगे ना वो इतना बड़ा करना है कि ये जो स्टिक है जो हमें इसमें जॉइंट करना है वो इसमें ईजिली आ जाए। बहुत बड़ा होल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो स्टिक इसमें फंसेगी नहीं, और अगर छोटा होगा तो वो स्टिक इसमें आएगी नहीं। तो बस ये होल होने के बाद मैंने क्या करना है, ये जो स्टिक है मैंने सबसे बड़ी वाली स्टिक ली है और जो मिडिल साइज़ की स्टिक ली है ना, तो जो सबसे बड़ी स्टिक थी उसको मैंने कट किया जो चाकू होता है ना उसको गर्म करके, तो मुझे ये छोटी वाली स्टिक भी मिल गई थी। अब क्या होगा, ये जो होल वाले जॉइंडर हैं वो मैंने 8 पीस लिए हैं और विदाउट होल वाले मैंने 4 पीस लिए हैं। अब क्या करना है हमको, ये जो मिडिल साइज़ की स्टिक है ना उसको मैं इस तरीके से चारों तरफ रख दूँगी, और फिर मुझे लेना है होल वाले जॉइंटर, उसको मैं इस तरीके से शिफ्ट कर दूंगी। मतलब इन चारों को जॉइंट करने के लिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। बस हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो जॉइंट, मतलब जो अभी हमने होल किया है ना, वो हमें इस तरीके से जॉइंट करना है कि वो होल नीचे की साइड हो। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नीचे की साइड हमें क्यों रखना है। यस दोस्तों, हमें एकदम इसे स्टैंड की तरह बनाना है। तो जब हम इसे जो छोटी वाली स्टिक है ना उसको भी इसमें शिफ्ट कर देंगे तो ये एकदम स्टैंड की तरह बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो नीचे हमने प्रोसेस किया था ना, सेम प्रोसेस हमें ऊपर करना है लेकिन बड़ी वाली स्टिक के साथ। बस हमें वो चारों तरफ वो बड़ी वाली स्टिक लगानी है, फिर जॉइंट लगाना है, और फिर जो मिडिल वाली साइज़ की स्टिक थी उससे हमें इन्हें जॉइंट कर देना है। बस एक बार और फिर से मैं यही सेम प्रोसेस ऊपर की साइड करूँगी तो ये एक स्ट्रक्चर जो है वो हम बन के तैयार हो जाएगा, और उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जब तक ये जॉइंटर बन जाएगा उसके बाद, ये देखिए ये जॉइंट, ये पूरा स्टैंड बन गया है। स्टैंड जो जॉइंट है ना इसके, उसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उसके लिए मैंने फेविबॉन्ड यूज़ किया है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। जब तक वो सूख रहा है ना तब तक हम क्या करेंगे, ये जो इसका बैनर है उसका मेज़रमेंट लेना है। इसका जितना भी सामान है वो भी हम यूज़ करेंगे, जैसे ये रबड़ है ना इसकी, वो हम यूज़ करेंगे, और ये जो जहाँ से बच्चे टेंट हाउस में एंट्री करते हैं ये वो वाला हिस्सा है, तो उसका हम मेज़रमेंट लेंगे अपने इस पूरे स्टैंड को कवर करने के लिए। तो मैंने ये लिया है, ये पहले से ही 16 इंच था, तो ये मेरे में एकदम फिक्स आ रहा था, तो मैंने बस इसी साइज़ के सारे कट कर लिए हैं, टेंट हाउस के जितने भी टुकड़े बने। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं जो स्टैंड है ना इसको कवर करना है। तो कवर करने के लिए मैंने पहले ऐसा मेज़रमेंट ले लिया था और उसके बाद मैं इसको जॉइंट कर दूंगी। तो ये देखिए जो लंबा लंबा मैंने लिया है ना, इसकी चौड़ाई तो 16 इंच थी और जो लंबाई है वो मैंने स्टैंड के हिसाब से ही ले ली थी, जो मुझे याद नहीं है, अभी काफ़ी टाइम पहले बनाया था इसलिए। तो मैंने यहाँ पे ना सिलाई मशीन का यूज़ नहीं किया है दोस्तों, मैंने क्विकली काम करने के लिए ना स्टेपलर का यूज़ किया है, क्योंकि बस मैं मेज़रमेंट लेती जा रही थी और उसे स्टिक करती जा रही थी। क्योंकि सिलाई मशीन के लिए ना हमें पहले से पूरा मेज़रमेंट लेना पड़ता है, उसे कॉपी में लिखना पड़ता है, तो ये सब मैंने नहीं किया था। बस इसी तरीके से मैंने देखिए इसको जोड़ दिया है पूरा, और जो तीसरा पार्ट है ना उसको भी मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि जो स्टैंड है ना वो मुझे तीन साइड से कवर करना है। तो बस ये तीन साइड से तीन हिस्से मैंने इसके जोड़ दिए हैं, और तीन साइड से कवर करने के लिए ना उसमें मैंने ये जो रबड़, आपको याद है बैनर के साथ ही आई थी, उस रबड़ को मैंने निकाल लिया, और ये देखिए एकदम फिक्स आ रही है। इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की साइड में इसको लगाऊंगी बैनर में लगाया मैंने इसलिए है ताकि जब मैं इसको ऐसा कवर करूँगी ना
तो वो एकदम टिक जाए। तो पहले मैंने लगाने से पहले ना इसका एक बार चेक कर लिया था कि कहीं ये छोटा बड़ा तो नहीं है, ताकि हम और इसमें टुकड़े जॉइंट कर देंगे और अगर बड़ा है तो कट कर देंगे। तो एकदम फिक्स था जो मैंने साइज़ लिया था, वो एकदम सही निकला। और उसके बाद मैंने इसमें रबड़ को लगा दिया। रबड़ मैंने ना सुई धागे से लगाया दोस्तों, क्योंकि स्टेपलर से ना वो निकलने का मुझे डर लग रहा था, तो पहले मैंने स्टेपलर से कर दिया और उसके बाद मैंने सुई धागे से उसमें टांका लगा दिया। तो ये देखिए एकदम स्टेबल हो गया है, अब मैं आराम से इसमें काम कर सकती हूँ। तो अब मुझे ऊपर का हिस्से को पैक करना है, तो मैंने उसका भी मेज़रमेंट लिया और उसे स्टेपलर से स्टिक कर दिया। अब मुझे जो आगे वाला हिस्सा है ना, इसका मैं दो पार्ट में यूज़ करूँगी, मतलब दो पार्ट में इसे पैक करूँगी। मीन्स ऐसा गेट जैसा मुझे बनाना है, क्योंकि आगे की साइड मुझे जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। तो मैंने ये ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको लिया और मैंने उसे जॉइंट कर दिया। अब ये जो आता है इसको मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम क्या है, तो बस मैंने इसको लिया। ये मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था मेरे सुई धागे के डब्बे में, तो इसको मैंने कट किया। और इसमें ना दो ऐसे हिस्से होते हैं, एक तरफ एकदम चिकना चिकना सा होता है और दूसरी तरफ एकदम कांटे वाला। तो मुझे इसका नाम याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा दोस्तों, तो अगर आएगा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बस इस तरीके से हमें मैंने इसको स्टेपलर से किया, लेकिन स्टेपलर के बाद मैंने इसमें भी सुई धागे से इसको टांका लगाया। और ये देखिए हमारा एक गेट बनके तैयार हो गया। ऐसे ही मैं दूसरा गेट भी लगा दूंगी नीचे की साइड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने पूरा कवर तो कर दिया है स्टैंड को, बट अंदर क्या करेंगे? तो अंदर के लिए ना मैंने कपड़े रखने का सेल्फ बनाया है। तो उसके लिए मुझे जो स्टैंड है ना उसको पूरा ऐसा सेल्फ जैसा बनाना है। तो या तो मुझे जो कार्डबोर्ड होता है वो यूज़ करना था, या फिर लकड़ी का कत्ता। तो मैंने ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया, इसमें से काफ़ी सारा अभी भी कपड़ा बचा हुआ था। तो मैंने क्या किया, इसे इस तरीके से लिया है, इसे मैंने कट कर लिए थे, काफ़ी सारे टुकड़े तो उसमें थे ही, मेरे पास रखे थे, तो मैंने सोचा इसी का ही यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको मैंने इस तरीके से इसमें कवर किया और अच्छे से खींच कर एकदम टाइट हो जाए, क्योंकि जब हम इस पर कपड़े रखेंगे ना तो वो नीचे की साइड नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइट किया है और स्टेपलर से स्टिक कर दिया। और स्टेपलर से स्टिक करने के बाद मैंने इसमें सुई धागे का यूज़ नहीं किया, अच्छे से स्टिक हो गया था, अच्छे से टाइट भी हो गया था। और इस तरीके से घुमाकर जो ख़राब वाला हिस्सा था जहाँ मैंने स्टेपलर किया था वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसे पीछे की साइड कर दिया। और बस इसे मैं साइड से भी ऐसे स्टिक कर दूंगी। ये देखिए मेरा पूरा सेल्फ तैयार हो गया है दोस्तों। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आया, और मैं ना इसमें कपड़े रखती हूँ ना, तो मेरे बच्चे इसको बहुत यूज़ करते हैं, वही कपड़े रखते हैं, वही निकालते हैं, उनको बहुत शौक लग रहा है। तो ये आप बताइए आपको ये आइडिया कैसा लगा। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आया। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं फिर से आपसे मिलती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगर किसी और के काम आ जाए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।